Hello everyone so myself and Shul and welcome to my channel miss botanophilic so in today's video i'll be telling you about a very important topic of ecology which is the ecological efficiencies तो इसी को हम लोग लिंडमैन सफिशियंसी भी बोलते हैं और इकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे यूज करेंगे जैसे कि बायोमास है ट्रॉफिक लेवल है यूनिवर्स में अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे इकोसिस्टम प्रेजेंट है हर इकोसिस्टम में क्या है ऑर्गेनिजम्स है कोई किसी का प्रे है कोई प्रिडेटर है यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ओके okay, अब ये जो डिपेंडेंसी है ना वो इंटरकनेक्टेड रहती है किसके थ्रू जिसको हम कॉमनली कहते हैं फूड चेन या फिर फूड वेब ओके अब फूड चेन है वो मिलके क्या करती है फूड वेब्स का फॉर्मेशन करती है तो फूड चेन या फूड वेब के थ्रू अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो यहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पोजीशन दी गई है इस इकोसिस्टम में उस पोजीशन को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल फॉर एग्जांपल वी हैव प्लांट्स ओके इन प्लांट्स को कंज्यूम करने वाली है काव काव को खाने वाला कौन है टाइगर तो ये एक ट्रॉफिक लेवल है जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हमने दी है प्लांट को सेकंड पोजीशन वी हैव गिवन इट टू तो काव एंड थर्ड पोजीशन इज गिवन टू तो द टाइगर ओके तो इसी को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं यानी कि एक लेवल जो कि एक ऑर्गेनिज्म को दिया गया है इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल ठीक है इज इज़ बायोमास बायोमास उसको हम कॉमनली कहते हैं डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है परसेंटेज ऑफ एनर्जी इन द बायोमास वन ट्रॉफिक लेवल दैट इज इनको इन टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल ठीक है तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशियंसिज ये जो इकोलॉजिकल एफिशिय होती है ये हमारी तीन टाइप की होती है कौन कौन सी सी ई एन पी ठीक है ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की होती है पहला का मतलब होता है कंजम्पशन एफिशिएंसी सेकंड इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी एंड द थर्ड इज प्रोडक्शन एफिशिएंसी देखो नाम से ही बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है जब हम बोलते हैं कंजम्पशन एफिशिएंसी यानी कि जो चीज़ हमने खाई है जितना अमाउंट हमने कंज्यूम किया है वो है कंजम्पशन एफिशेंसी ठीक है सेकेंड है एसिमिलेशन एफिशिएंसी जितना हमने खाया उसमें से कितना हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया वो है एसिमिलेशन एफिशिएंसी फिर तीसरा आता है प्रोडक्शन एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ एसिमिलेटेड फूड था फूड एनर्जी जितना भी हम लोगों ने एसिमिलेट एब्जॉर्ब किया बॉडी ने उसमें से कितना हमारा इंकॉर्परेट होता है इन टू द न्यू उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन एफिशियंसी कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसको कॉमनली हम क्या कहेंगे प्रोडक्शन एफिशिएंसी ठीक है तो अभी तीनों टाइप की एफिशिएंसी के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे स्टडी करते हैं सबसे पहले हम लोग कंजम्पशन एफिशिएंसी से स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज कंजम्पशन एफिशिएंसी सो इट्स अ परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी अवेलेबल एट वन ट्रॉफिक लेवल दैट इज एक्चुअली कंज्यूम बाय अ ट्रॉफिक कंपार्टमेंट वन लेवल अप ओके तो वैसे ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है बट यहां पे हम कुछ शॉर्ट टर्म्स का यूज करेंगे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसकी जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा ब्रोक करके लिखा हुआ है लेट सपोज वी हैव थ्री ओके ए बी एन सी तो ए वाले को हमने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाली पोजिशन दी बी को टू और सी को हमने दी है थर्ड पोजिशन तो सिंपली क्या बोलता है कि द परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्टिविटी विच इज अवेलेबल एट वन ट्रॉफिक लेवल यानी कि ए की जितनी प्रोडक्टिविटी है उतना उसका कितना परसेंट हमारा बी ने कंज्यूम किया है बी का कितना परसेंट सी ने कंज्यूम किया तो इसको हम कहते हैं कंजम्पशन एफिशंसी ठीक है कितना अमाउंट कंज्यूम हो चुका है क्या खाया गया है एक ट्रॉफिक लेवल लेवल अप के थ्रू तो उसको हम कॉमनली कहेंगे कंजम्पशन एफिशिएंसी तो कंजम्पशन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वी हैव सी इज इक्वल्स टू आई एन अपॉन पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड अब यहां पे जो आई एन आईएन आई एन मतलब क्या है देखो आई एन समझने से पहले आपको पीएन माइनस वन समझना होगा पीएन माइनस वन ये इंडिकेट करता है कि जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी ए की यानी कि भी ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं उस ट्रॉफिक लेवल की कितना टोटल हमारी प्रोडक्टिविटी थी परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्टिविटी था उसको हम कहते हैं पी एन माइनस वन ठीक है अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्टिविटी में से कितना कंज्यूम किया गया है उस टॉपिक लेवल के थ्रू जो कि उससे एक लेवल ऑफ प्रेजेंट था यानी कि बी ने ए का कितना परसेंट खाया उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी ए की उसका कितना परसेंट बी ने कंज्यूम किया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एन के थ्रू ओके तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में आप इनपुट कर सकते हो उन वैल्यूज को तो अगर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते भी हैं लाइक कंजम्पशन एफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए तो आप इन वैल्यूज में एज पर आप अपने क्वेश्चन को रीड करके पुट करके कंजम्पशन एफिशियंसी

यू कैन मैंशन दिस पॉइंट इन एग्जाम बट ये कॉम्पिटेटिव से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कंजम्पनसी हर्बीवोर कार्निवोर किसके काम होती है तो हर्बीवर्स की कंजन एफिशियंसी थोड़ी कम होती है इसके अलावा ग्रासलैंड की जो हर्बिबोर्स होती है उनकी कंजन एफिशिय फॉरेस्ट के हर्बीबोर्स से काफी हाई होती है ओके okay. अब हम पढ़ लेते हैं एसिमिलेशन एफिशिएंसी के बारे में तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सेकेंड एफिशिएंसी जो कि है हमारी एसिमिलेशन एफिशिएंसी ओके नाउ व्हाट इज एसिमिलेशन एफिशिएंसी इट अ परसेंटेज ऑफ द इंजेस्टेड और कंज्यूम फूड दैट इज एसिमिलेटेड अक्रॉस द गट वॉल इन अ ट्रॉफिक लेवल अब यहाँ पे एसिमिलेशन एफिशिएंसी में उस पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की बात की जा रही है जिसने क्या किया है फूड को कंज्यूम किया है तो उस कंज्यूम फूड में से कितना एसिमिलेट किया है यानी कि उसकी बॉडी ने उसके गट वॉल ने कितना एब्जॉर्ब किया है यहां पे हम उसकी एफिशियंसी निकालते हैं ओके तो यहाँ पे हम दो वर्ड्स को यूज करेंगे आई और एन आई एन हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि, कि कितना कंज्यूम किया है या कितना फूड उसने इंजेस्ट किया है ठीक है है. अब कितना फूड उस इंजेस्टेड फूड में से कितना उसकी बॉडी ने एबजॉर्ब किया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं okay? so, समझ में आई होगीमेशन एफिशियंसी ओके अब जो अनएसिमलेटेड मटीरियल होता है वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द फीकल मैटर इसको निकालने का जो फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू ए एन यानी कि एसिमिलेटेड

एक्वाटिक हर्बीवोर और टेरेस्टियल हर्बिवोर्स अलग अलग होते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के जो हर्बिवोर्स होती हैं उनकी एसिमिलेशन एफिशिएंसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो हर्बिबोर्स होती है उनसे हाई होती है

को हम कहते हैं प्रोडक्शन एफिशिएंसी तो ये जो तीनों एफिशिएंसी होती है ना ये एक दूसरे से क्या होती है रिलेटेड होती है कि कितना था कितना उसने खाया खाने के बाद कितना एसिमिलेट हुआ कितना एब्जॉर्ब किया बॉडी ने फिर उस एब्जॉर्ब वाले मटेरियल में से कितना इनकॉपरेट होता है नए बायोमास में इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी या फिर लेंडमैस एफिशिएंसी सर तो, तो अगर आपका एग्जाम में आता है इकोलॉजिकल एफिशियंसी तो आपने वहां पर इन तीनों एफिशियंसीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना है इसके अलावा कुछ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पे कभी कभी आपसे इकोलॉजिकल एफिशियंस कैलकुलेट करने को बोला जाता है तो आपको ये फॉर्मुले पता होना चाहिए तो जो तीनों एफिशियंसीज है वो आपस में रिलेटेड है तो एग्जाम्स में मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आपको लाइक प्रोडक्शन एफिशिएंसी दी हुई है तो अगर आपसे आप पूछ लेते हैं कि एसिमिलेशन एफिशिएंसी कैलकुलेट करो ठीक है सो आई होप कि आज की वीडियो से डेफिनेटली आप लोग को हेल्प मिली होगी अगर थोड़ी सी भी आप लोग को हेल्प मिली है तो आप जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू